के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं? आई थिंक बड़ी स्पेशल शाम है ईटी अवार्ड्स की, एंड स्पेशली जो अवार्ड मिल रहा है यू नो फिटनेस आइकन का. आई फील कि जब पहला दिन जब जिम शुरू किया था, आई थिंक इट वाज रियली वर्थ. इतने साल हो गए हैं, करीबन 19 से 20 साल से एक्सरसाइज कर ही रहा हूँ रेगुलरली. सो बहुत लोगों ने इंस्पायर किया है, एंड आई विश कि मैं भी बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकूँ और फिट बना सकूँ. बट आई थिंक टुडे एवरीवन इज you know quite aware about fitness, you know, and I hope to learn a lot from them, and maybe whatever I know I'll share with them also. So आपने जैसे inspiration की बात की है, तो आपने जैसे 15-20 साल से अपने जैसे एक अच्छे body maintain कर रहे हैं, body maintain कर रहे हैं, जी. तो इसके लिए आपकी inspiration कौन रहा, मतलब इसमें आने के लिए या fit body के लिए? मैंने जब कॉलेज में नागपुर में I was doing my engineering, तब I used to love Sylvester Stallone और आर्नल्ड की बॉडी से मैं बहुत प्रेरित था उस समय. फिर उनके पोस्टर्स भी मेरे रूम में लगे हुए थे और उनको देख के मैंने जिम शुरू किया. एंड टुडे यू नो आई फील कि इतने जब मैंने उस समय जिम शुरू किया था और आज मैं जब जिम में लोगों को देखता हूँ वर्कआउट करते हुए, आई फील कि जो फिटनेस की जो अवेयरनेस है बहुत कमाल की हो गई है. नो लोगों को डाइट का पता, उस समय हमें कुछ पता ही नहीं होता था कि क्या कार्ब्स हैं, क्या प्रोटीन है. जो कुछ मिलता था, समोसे भी खाते थे, पूरियाँ भी खाते थे, कचोरियाँ भी खाते थे. और आज पता लगा कि यू नो जो जंक फूड है वो आपकी फिटनेस को कभी यू नो हिस्सा नहीं बन सकता उस जर्नी का. और फिर यू नो धीरे धीरे सीखते सीखते आज आपके सामने खड़े हुए हैं. So along with you, even Shilpa Shetty ma'am is also awarded as a fitness icon. So what do you want to say about it? I feel Shilpa is the fittest actress we have today. बड़े कमाल से ढंग से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है. आई थिंक जितनी अगर हम नई जनरेशन की एक्ट्रेसेस की बात करें, वो भी इंस्पायर होती हैं उनसे, एंड फील रियली प्राउड टू शेयर द यू नो अवार्ड उनको फीमेल फिटनेस के लिए मिल रहा है, मुझे इन द मेल कैटेगरी मिल रहा है. सो आई बीन ऑलवेज बी ह्यूज फैन ऑफ शिल्पा. आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट एक्ट्रेस एंड नाइसेस्ट फ्रेंड आई हैव, एंड फील रियली ऑनर्ड. कई एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो अपने ऐप ला रहे हैं या किसी तरीके से लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, क्या आप भी प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसा कि अपना ऐप ला के लोगों को मतलब टिप्स दी जाए या फिर कुछ जिम वगैरह खोलेगा? मैंने जिम तो खोला हुआ है, नॉर्थ के अंदर मैंने जिम खोला हुआ है फ्री में सब लोगों के लिए. सब आते हैं, काफ़ी सालों से है वो वर्कआउट करते हैं, और यू नो जब भी मैं जाता हूँ वहाँ पे आई ऑलवेज विजिट दैट प्लेस. बट लाइक आई सेड यू नो अभी थोड़ी टेक्नोलॉजी की दुनिया आ गई है कि आप कहीं पे भी हों आपकी फिटनेस को लोग यू नो फॉलो कर सकते हैं. सो आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन समथिंग कि एक ऐसा कुछ इजी सी चीज़ हो लोगों के लिए कि वो बड़ी आसानी से फॉलो कर सकें. लोग आज की ज़िंदगी में थोड़ा भागते हैं, समय कम होता है, सब किसी के पास एक्सक्यूज़ होता है कि यार बहुत बिजी रहता हूँ, वक्त नहीं मिलता मुझे जिम जाने का या यू नो वर्कआउट करने का. लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम जिसमें अगर आप टेलीविजन देख रहे हैं तो भी आप थोड़ा थोड़ा वर्कआउट कर सकें, आप 15-20 मिनट भी अपने लिए निकाल सकें, आई थिंक दैट विल रियली हेल्प. सो आई एम ट्राइंग टू मेक एक्सरसाइजेज जो आप घर पर काम करते करते कर सकते हैं. सो आई होप कि कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा ज़रूर होगा आम जनता को. जी मैं अभी एक तेलुगु की फिल्म शुरू कर रहा हूँ. साउथ का बीच में ब्रेक आ गया था क्योंकि मैं हिंदी और बाकी भाषाओं में काफ़ी बिजी हो गया था. फिर शोज़ कर रहा हूँ मैं, मेरी कंपनी जो प्रोडक्शन हाउस है वो शोज़ भी कर रही है. दो फिल्म्स हैं जो प्रोड्यूस करने वाला हूँ मैं. एक मराठी फिल्म भी एक सब्जेक्ट है, एक हिंदी फिल्म है जो पसंद की हुई. तो बड़ी सारी चीज़ें एक साथ शुरू हो गई हैं. आई होप कि बड़ी कमाल की टीम है वैसे मेरे पास. आई थिंक दे रियली हेल्प मी लॉट टू चैनलाइज होल थिंग, एंड होपफुली इस साल करीबन 2-3 फिल्म्स आनी चाहिए. क्योंकि क्योंकि फिटनेस की बात हो रही है, फिटनेस अवार्ड मिलने वाला है आपको, तो जाते जाते अपनी ऑडियंस को कोई भी एक फिटनेस टिप्स देना चाहेंगे इजी वाली, क्योंकि आपने खुद बोला है कि बहुत भाग दौड़ डे टू डे लाइफ यही है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो जो बॉडीज़ होती हैं वो जिम में नहीं किचन में बनती हैं. और 80% डाइट का गेम होता है, 20% जिम का गेम होता है. अगर आपके पास वक्त नहीं भी मिलता जिम जाने का या भागने का दौड़ने का, तो डाइट पे थोड़ा ध्यान दें, गलत ना खाएं,
मुझे याद है कि जब मैंने अपनी स्ट्रगल शुरू की थी मुंबई में, तो समय ही समय होता था, कोई कुछ काम नहीं रहता था, पिक्चर्स देनी प्रोडक्शन हाउसेज में, और फिर पूरा समय रहता था. लेकिन उस स्ट्रगल में कई बार जिम का समय नहीं मिलता था. सो आई ऑलवेज यूज टू वॉक फ्रॉम बैंड्रा टू अंधेरी. में कितनी दफ़ा पैदल चल के जाता था, एक बैग टंगा रहता था कंधे पर, और लगता था कि चलो वॉक करते जाएंगे, एटलीस्ट फिट तो होंगे. सो आई ऑलवेज फील कि फिटनेस का कोई यू नो रीज़न नहीं होना चाहिए उसको इग्नोर करने का. आज आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लगे कि आज जिम नहीं गए तो पैदल चलिए अपने घर पे, यू नो 10, 8, 7, 8, 5 किलोमीटर जो भी है वॉक कीजिए, सो फिर आप फिट हो जाएंगे. एटलीस्ट जब तक आप अपने आप को प्यार करते हैं, यू लव योरसेल्फ, आई थिंक नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग फिटर. सो देयर इज़ नो एक्सक्यूज, जस्ट स्टे फिट ऑलवेज. या थैंक यू सो मच.